चौहान आज सीएम हाउस में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। बुधनी विधानसभा में आने वाले चार निकाय के 64 नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सीएम से मिलेंगे। इसके बाद सीएम शिवराज रायसेन में संबल योजना के तहत सिंगल क्लिक पर 15,948 हितग्राहियों के खातों में 345.59 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। सीएम हाउस में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बैठक करेंगे। वहीं सीएम रविंद्र भवन में आयोजित एक बिजनेस कॉन्क्लेव में भी शामिल होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संजय डोंगर दिवे जुड़ चुके हैं। संजय जी, आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सीएम शामिल होंगे। सर बिल्कुल उदय, मैं आपको बता दूं कि अभी जिस प्रकार से एक आज सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, एससी एसटी वर्ग का जो बिजनेस को लेकर काफी बड़ा एक इवेंट चलता है, जिसमें कई शासकीय मदद से और कई बड़े व्यापारी इसमें सम्मिलित है नीति, उस पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम को उस सेमिनार का उद्घाटन करेंगे। एक वर्कशॉप है जिसको लेकर ये बात रखी गई है कि एससी एसटी वर्ग के लोग किस प्रकार से बिजनेस अपनी बहुत बढ़ाते जा रहे हैं। आज नौकरी की नहीं, नौकरी देने वाले बनने की बात जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना रहा है, उसके अंतर्गत किस प्रकार से ये लोग अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं उस पर चर्चा की जाएगी और लोगों को इस ओर आकर्षित करने को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया है। जी संजय, अगर बात करें तो आज सीएम हाउस में कार्यक्रम होने वाला है, ऐसे में जनप्रतिनिधियों से सीएम मुलाकात करेंगे। जनप्रतिनिधियों को किस तरह के निर्देश देंगे, किस तरह से जनप्रतिनिधियों का हौसला अफजाई करेंगे सीएम? बिल्कुल उदय, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी 16 तारीख को, अब जल्द जल्द ही 16 तारीख को जो गृह मंत्री है वो भी पहुंचने वाले हैं, उससे अंतर्गत अब तैयारियों को लेकर भी एक जायजा दिया जाएगा कि किस प्रकार की तैयारियां हैं और जो वहां पे रखा गया था जो जिस प्रोग्राम में आ रहे हैं कि हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई के साथ साथ अन्य विषयों को भी लिया गया है, तो उसको लेकर तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। उसके साथ अगर बात देखी जाए तो 2023 में होने वाले चुनाव और जिस प्रकार से कल नरेंद्र मोदी की जो सभा हुई उज्जैन में और जो बात ही कही गई उसके ऊपर भी चर्चा होगी। अगर देखा जाए पूरी तरीके से तो जिस प्रकार से अभी तक दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर, चाहे हम हिंदी में एमबीबीएस की बात करें या उज्जैन में कल जो नरेंद्र मोदी ने बताया गया है उस पर कार्य करने की बात करें, तो इस प्रकार के दोनों तीनों मुद्दे हैं जिसके ऊपर चर्चा की जाएगी आम जितने भी विशेष प्रतिनिधि हैं उनसे। जी जी संजय, धन्यवाद आपका इस पर अधिक जानकारी। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एमपी स्वराज।